हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल व्यंजन। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार चटपटी सूखी चने की दाल। और चने की दाल बनाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चटपटी मसालेदार सूखी चने की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी चना दाल, 3 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन। दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी दाल को अच्छे से धो लेंगे 3-4 बार, और उसके बाद इसे डबल पानी डाल के इसे कुकर में 3-4 विसल्स लगवा लेंगे। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में एक कड़छी तेल डाल के उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च थोड़ी सी तोड़ के डालेंगे, इसे हिलाएंगे थोड़ा सा, और इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब जीरा पकने से थोड़ा सा बाद हम डालेंगे लहसुन, और इसे हिला लेंगे। अब लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम चॉप्ड किए हुए प्याज डालेंगे। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हम प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम इसमें मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर कटे हुए डालेंगे। अब हम अपने टमाटरों को अच्छे से गला लेंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी जो दाल थी हमने उसे ड्रेन कर लिया है उसका एक्सेस वाटर, और ये अच्छे से बिल्कुल पक गई है। ये देखें, हमने दाल को तड़के में अच्छे से मिला लिया है और अब ये रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी दाल अब रेडी है। आप इसे किसी भी मील में ले सकते हैं, बट नाश्ते में ये सबसे अच्छी लगती है, और आप इसे परांठों के साथ इंजॉय करें।